देपालपुर के तहसील रोड स्थित पंजाब नेशनल बैंक में पदस्थ ऑफिसर मुकेश मालवीय की तानाशाही के चलते बैंक की कार्यप्रणाली पर सवाल खड़े हो रहे हैं। मालवीय द्वारा ग्राहकों से बदसलूकी करने पर व्यापारियों और किसानों ने बैंक में हंगामा खड़ा कर दिया। व्यापारियों ने जिला अधिकारी LDM CM हेल्पलाइन व पंजाब नेशनल बैंक हेल्पलाइन नंबर पर शिकायत की है, जबकि अधिकारी मालवीय ने मीडिया को बताया कि व्यापारी शाम के समय बड़ा अमाउंट लेकर आते हैं, इसलिए अमाउंट गिनने में समस्या आती है। इससे सुबह आने के लिए व्यापारी से कहा था। व्यापारियों का कहना है कि उनका व्यवहार खराब है। जब किसी को भी पेमेंट या पैसे देके पूछता हूँ कि जमा कर दे अकाउंट में, तो बोलते हैं 3 बजे बाद भैया इतना बड़ा अमाउंट मत लाया करें, इतना पैसे मत लाया करें, इतने पैसे जमा नहीं होंगे, गेट नहीं खोलते हैं, 2 बजे गेट बंद कर देते हैं। मैं बोलता हूँ तो मुकेश जी मालवीय मेरे को आ सकते बोलते हैं भैया यहाँ तो ऐसे ही चलेगा, आपकी दादागिरी नहीं चलेगी, आपकी नेतागिरी नहीं चलेगी, आप पत्रकार को मत लाया करो, आप पत्रकार से बात मत करा करो। इसके बाद में डायरी लाया एंट्री कराने के लिए, तो बोले आज ये बालक आया तो बोले कि आज एंट्री नहीं होगी, आज छुट्टी है। ठीक है, फिर मैं आया, मैंने कहा सर एंट्री क्यों, एंट्री मेरे को CEO को देना है। तो अभी मशीन चालू हो गई, मैंने पहले की एंट्री बताई और आज की भी एंट्री बताई। तो कैसे मालवीय क्या पता क्या मेरे से द्वेष भावना रखते हैं, एक मेरे से ऐसी द्वेष भावना रखते हैं, मेरे खाते से रखते हैं, क्या पता क्या प्रॉब्लम है। मैं अगर इनको फिर से प्रॉब्लम है तो मैं खाता चेंज कर लेता हूँ, पर एक बार बता दें कि प्रॉब्लम क्या है। नहीं, वो शिकायत देते ही ना मेरी, मैंने शिकायत दी तो उन्होंने कहीं कागज रख दिया। CM हेल्पलाइन पे करी है, पंजाब नेशनल बैंक पे करी है, अभी मैं SDF को करी है, SDF तहसीलदार और थाने पे तीन जगह ज्ञापन दूंगा मैं। और मेरे साथ जितने भी कस्टमर है यहाँ के पंजाब नेशनल से सबसे शिकायत डलवाऊंगा। कम से कम मेरे परिवार के 4 खाते हैं, मेरे पूरे समाज के कम से कम यहाँ से 150 खाते हैं, और मेरे मुल्ले के खाते में सारे खाते बंद करूंगा। मैं जवाब मांगूंगा मुकेश जी मालवीय से क्या क्यों। कमल सिंह गोड़।